सेगांव तहसील कार्यालय में प्रभारी तहसीलदार राकेश बर्डे को भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत के तत्वावधान में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। किसानों ने सेगांव को सूखा घोषित करने, नांगलवाड़ी लिफ्ट, एरिगेशन में गहराई बढ़ाने व मक्का पंजीयन शुरू करने एवं मंडी परिसर के किसान भवन किसानों के लिए खुलवाने और फसल विक्रय हेतु मंडी में बोली लगवाने संबंधित 5 मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम, वही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान उन थाना प्रभारी सुनीता मुजालदा, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी आर चौहान और किसान संघ के तहसील अध्यक्ष भूपेश पाटीदार, सचिव संतोष ठाकुर, डॉक्टर नारायण यादव, सूर्यकांत पाटीदार, राधेश्याम यादव, राजेंद्र गुर्जर, छगन पाटीदार, गोविंद पाटीदार, धर्मेंद्र चौहान, रमेश चौहान मौजूद थे। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। बात को लेकर आप ज्ञापन देने आए थे? आज हम जो स्थानीय समस्याएं हैं वो भीषण सूखे को लेकर हम ज्ञापन देने वाले ज्ञापन दिया है और केंद्र की योजना अनुसार हमने लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य और MSP गारंटी को लेकर हमने प्रशासन को अवगत कराया है तथा स्थानीय समस्याओं के साथ साथ प्रदेश में सूखे को लेकर हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। स्थानीय समस्याओं को लेकर स्थानीय प्रशासन उनके नाम यहाँ का ज्ञापन सुना है। कुछ मंडी संबंधित है, कुछ कृषि विभाग संबंधित है, कुछ तहसील संबंधित है। ऐसे अनेकों समस्याओं को लेकर हमने आज तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा। क्या नाम लिखता? मैं कमल पाटीदार, भारतीय किसान संघ जिला कार्यकारिणी सदस्य और विकास संघ गाँव का प्रभारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।